हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11 बज रहे हैं और मैंने नाश्ता वगैरह तो कर लिया है। ये वाला वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि कल वाली वीडियो मैंने लेट अपलोड की है। एक्चुअली मैं कल कहीं बाहर गया हुआ था तो इस वजह से मैं एडिट नहीं कर पाया था। तो आज बाहर मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ठंड बहुत लग रही है। आज मैंने सुबह से ही जैकेट कस ली है और शोभित अपनी क्लास अटेंड कर रहा है यहाँ पे। सही है, इसकी सुबह से आज तो इन लोगों का जो टाइम है ना वो बहुत सही है क्योंकि हमारे टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस होती नहीं थी। तो इसकी अभी क्लासेस चल रही हैं और क्लासेस में पूरे मजे कर रहा है और ऑनलाइन लॉगिन करके अपना पूरा घूम रहा है, देख रहा है बाहर दोस्त आए नहीं आए, भागने की तैयारी है। तो भाई हमारे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था क्योंकि पूरे दिन क्लास लगती थी 9 बजे से शाम के 4 बजे तक। ये यहाँ मजे कर रहा है, 3 घंटे में भी तो घूमता रहता है, तो 3 घंटे में भी ये पूरा घूमता रहता है। तो यहाँ चल रही है दिन के लंच की तैयारी। आज लंच में बन रहा है दाल और चावल और चटनी। बाहर का मौसम में एक बार आपको चेकआउट कराए तो काफ़ी ठंडा है मौसम आज बाहर। और ये भैया यहाँ बैठ के काम करने में लगे हुए हैं। भैया ठंड नहीं लग रही आपको यहाँ पे? ये तो है, आप फौजी आदमियों को ठंड नहीं लगती भाई। एक सिविलियन और फौजी में यही फ़र्क है। मैं पूरा जैकेट वैकेट कस के बैठा हूँ और भैया ही अपना काम वाम निपटा के आराम से आए हुए हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि जो गैस का जो बर्नर होता है ना वो टूट गया है, तो वो चेंज कराना है। उसकी वजह से बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, वो जाके चेंज करा के लाता हूँ। तो गाइस अभी मैं मार्केट पहुँच गया हूँ ये चेंज कराने के लिए, तो फटाफट इसको चेंज कराते हैं फिर चलते हैं। तो गाइस अभी जिस काम के लिए मैं मार्केट आया था वो काम तो हुआ नहीं क्योंकि बर्नर उसका मिल नहीं पा रहा है। वो बर्नर मैंने आज दे दिया, वो परसों मिलेगा क्योंकि पीतल वाले बर्नर इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यहाँ तो कुछ काम हो नहीं पा रहा है। चल
के भाग जाता है। अभी अपना तो डिनर हो चुका है और हमने बैठ के दीदी कर रही है। कैसा बना है? बहुत मेहनत से बनाया मैंने। मैं तो सच बोल रहा हूँ। सच ही बोल रहा हूँ। तो गाइस अभी अंदर की सफाई करी तो अंदर से इतना ज्यादा कूड़ा निकला हुआ है। तो दोस्तों मैं तो डिनर करके आ चुका था सोने के लिए और इस वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। मिलते हैं ऐसी किसी और अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।